हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईच विद वन और टू ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश एंड डैश आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट इज रेफर्ड टू एज द डैश ऑफ लंग्स। सो फिल अप द अबव ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ट्रैकिया टर्मिनल ब्रोंकियोल गिल्स, सेकंड ट्रैकिया ब्रोंकाई वाइटल कैपेसिटी, थर्ड गिल्स ट्रैकिया टाइडल वॉल्यूम, फोर्थ ट्रैकिया गिल्स टाइडल वॉल्यूम। सो द की कांसेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इस क्वेश्चन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पूछा है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है दैट डैश एंड डैश दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं? सो ट्रैकिया विच इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, जो क्या करता है नोज से एयर को लंग्स तक पहुंचाता है, पाथवे में होता है ये रेस्पिरेटरी पाथवे में, और इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सी शेप रिंग्स होती हैं जो किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती हैं, विच आर इनकम्प्लीट एट द बैक। ये कैसी होती हैं? इनकम्प्लीट होती हैं, अधूरी होती हैं पीछे से। सो फर्स्ट में आएगा ट्रैकिया, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें सबसे ऊपर जैसे नोज के बाद लैरिंग्स, देन आफ्टर ट्रैकिया होता है जिसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, उसके बाद ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई कहलाती हैं, ब्रोंकाई अगेन डिवाइडेड होती हैं ब्रोंकियोल्स में, उसके बाद ये किसमें जाते हैं? लंग्स में। नीचे क्या होते हैं इसके? एल्वोलर सैक होती हैं। सो दीज आर ब्रोंकियोल्स, जिनमें क्या होता है नीचे? एल्वोलर सैक, एल्वोलाय होते हैं, जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, एंड दिस इज लंग। सो यहाँ पर जो ये ट्रैकिया है, यहाँ पर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, एंड ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। सो ब्रोंकाई वो ट्यूब्स होते हैं जो ट्रैकिया से निकलते हैं और हर एक लंग में जा रही हैं, इनमें भी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं सपोर्ट के लिए। स्टेटमेंट सेकंड में कहा है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, जितनी एयर इनहेल कर रहे हैं मीन्स जो सांस ले रहे हैं और जो एक्सहेल कर रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं, जितना अमाउंट होता है विद मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमली जितनी भी हम इनहेल कर सकते हैं एक्सहेल कर सकते हैं एयर, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। इसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सहेल कर सकते हैं, डीपेस्ट ब्रीथ ले सकते हैं पॉसिबल, ब्रीदिंग इन एंड आउट। सो द डीपेस्ट ब्रीदिंग इन एंड आउट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो थर्ड होगा वाइटल कैपेसिटी। सो फर्स्ट है ट्रैकिया, सेकंड ब्रोंकाई, एंड थर्ड इज वाइटल कैपेसिटी। सो फाइनल आंसर इज बी, फर्स्ट ट्रैकिया, सेकंड ब्रोंकाई, थर्ड वाइटल कैपेसिटी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।